चिड़िया और चील की कहानी। एक हरे भरे जंगल में कई तरह के पक्षी रहते थे। उनमें से एक चिड़िया थी जिसका नाम सोना था। वह अपने तारे बच्चों के साथ एक बरगद के पेड़ के घने शाखाओं में बने सुंदर से घोंसले में रहती थी। सोना एक साहसी और मेहनती माँ थी। हर दिन वह अपने बच्चों को उड़ना, दाना ढूंढना और मुसीबतों से बचने का तरीका सिखाती थी। शाम को सोते समय वह उन्हें मीठे स्वर में सुंदर गीत सुनाती थी। एक दिन जंगल में एक चील मंडरा रही थी। चील की नजर सोना के घोंसले पर पड़ी और उसे सोना के बच्चे स्वादिष्ट लगने लगे। चील तेजी से नीचे झपटी घोंसले के पास पहुंची। सोना ने चील को देखते ही अपने बच्चों को पास बुला लिया और उन्हें शांत रहने को कहा। चील ने कहा, ये छोटे छोटे पक्षी कितने मोटे ताजे दिख रहे हैं, मैं इन्हें खाऊंगी। सोना घबराई नहीं, उसने चील से कहा, रुको, तुम इन्हें नहीं खा सकती। जंगल के राजा शेर ने आदेश दिया है कि आज जंगल में कोई शिकार नहीं करेगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं राजा शेर से शिकायत करूंगी। चील सोना की बातों पर हंसी, तू इतनी छोटी सी चिड़िया मुझसे राजा शेर की बात कर रही है, हट जा मेरे रास्ते से। सोना ने जान लिया कि चील को अकेले हराना मुश्किल है। उसने तुरंत जोर से चहचहाना शुरू कर दिया। जंगल के सारे पक्षी सोना की आवाज सुनकर इकट्ठे हो गए। उन्होंने देखा कि चील सोना के बच्चों को खाने की कोशिश कर रही है। सभी पक्षी गुस्से से चहचहाने लगे। चील इतने सारे पक्षियों को देखकर घबरा गई। सोना ने इस मौके का फायदा उठाया और चील को दूर ले जाने के लिए जोर से चिल्लाने लगी। सारे पक्षी भी सोना के पीछे हो लिए। वे चील को इधर उधर घुमाते रहे। चील परेशान हो गई और जंगल से उड़कर भाग गई। इस तरह सोना की चालाकी और बाकी पक्षियों की मदद से उनके बच्चों की जान बच गई। जंगल में खुशी का माहौल छा गया। सभी पक्षी सोना की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय एकजुट होकर उसका सामना करने से कोई भी समस्या हल हो सकती है। साथ ही चालाकी और बुद्धि से भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार किया जा सकता है।